राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान बीजेपी वसुंधरा समर्थक और उनके विरोधियों के बीच बट गई है। अब वसुंधरा समर्थक गुट 8 मार्च को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है और ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से पहले बीजेपी की फूट खुलकर सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन बीजेपी संगठन के लिए गले की फांस बन गया है। एक तरफ पार्टी के कई नेता राजे के जन्मदिन की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर राज्य बीजेपी संगठन ने इससे दूरी बना ली है। बीजेपी नेताओं के दो ऑडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पहला ऑडियो बूंदी के जिलाध्यक्ष छीतर लाल और दूसरा ऑडियो बूंदी के बीजेपी विधायक अशोक डोगरा का है। दोनों ऑडियो में बीजेपी नेता बूंदी जिले में 8 मार्च को शुरू होने जा रही वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता से बात करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही इसमें बीजेपी बूंदी जिला अध्यक्ष शीतर लाल राणा और बूंदी बीजेपी एमएलए अशोक डोगरा कार्यकर्ता से संबंधित कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कह रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि 8 मार्च को राजे के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल न हो। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के मौके पर बूंदी जिले के केशो रायपाटन पहुंचेंगी, जहां अपने जन्मदिन पर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी आगे की धार्मिक यात्रा पूरी करेंगी। दरअसल राजे धार्मिक यात्रा के बाद अब जन्मदिन की यात्रा पर निकलने जा रही हैं। इसे राजनीतिक भाषा में शक्ति प्रदर्शन ही कहा जा रहा है। राजे गुट केंद्र को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व वसुंधरा को सौंप दिया जाए। दूसरी ओर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।